मुझे अभी 5 महीने का जेल में जेल का भी दृश्य देखने को मौका मिला कि जाको राको साया मार सके ना को उनसे और ऐसे चीजों से ना कभी डर लगा था ना डर है ना कभी डर लगेगा। अंजाम तक कैसे पहुंचाना है ये भी जानते हैं और इनसे कैसे लोहा लेना है ये भी जानते हैं। धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में शुक्रवार को नियुक्ति वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगभग 1500 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस समारोह में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री बैजनाथ राम, मंत्री रामेश्वर उड़ाव तथा सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के बाद हालत सामान्य हुआ कि हमारे विरोधियों का षड्यंत्र शुरू हो गया। अलग आलम माध्यमों और संस्थानों के माध्यम से मुझे काम करने से रोकने के लिए षड्यंत्र किया गया। कभी कभी हम आदिवासी विरोधियों के षड्यंत्र को समझ नहीं पाते, इसी कारण मुझे 5 माह जेल में रहना पड़ा। लंबे समय से आज का इस दिन का इंतजार कर रहे थे, अंतोगत्वा ये विशेष दिन इस राज्य के लिए और सरकार के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। वैसे तो हम लोगों ने हजारों नियुक्तियां दी हैं, लगभग 20,000 से अधिक नियुक्तियां पहले ही हमने दे दिया था और लगभग अलग अलग आयोजनों के माध्यम से, कौशल विकास विभाग के माध्यम से, संगठित असंगठित क्षेत्रों में 60,000 से भी अधिक नौजवानों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया और बड़ा ये सुनकर खुशी होता है जब आप कोई काम करते हैं और उस काम का परिणाम बहुत आपके सोच के अनुरूप आता है तो मन को उत्साह प्रदान करता है। हमने कई नौजवानों को नियुक्ति पत्र ऐसे ही अलग अलग समारोह के माध्यम से, अलग अलग कोने से आए हुए बच्चे बच्चियों को दिया। कई लोग दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, झारखंड के अलग अलग उद्योगों में नियुक्तियां मिली और उनमें से कई ऐसे हुनरमंद नौजवान उनमें से निकले जो अपने कौशल के बदौलत आज वो देश में तो काम कर ही रहे थे, अब अपने आप को उस तरीके से निखारा कि आज विदेशों में भी वो अपना स्वरोजगार के लिए निकल पड़े। बस एक रास्ता दिखाया हमने, उसके बाद अनवरत चलने वाला जो जीवन काल है उसमें मजबूती से आज वो नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। हमारे विपक्ष के लोग इतने सुनियोजित ढंग से घात लगा करके षड्यंत्र रचते हैं और हम लोग जैसे झारखंडी लोग, आदिवासी समुदाय के लोग उनके इनके षड्यंत्र को कभी कभी समझ पाने में पीछे हो जाते हैं। नतीजतन मुझे अभी 5 महीने का जेल में
जेल का भी दृश्य देखने को मौका मिला। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राको साइया मार सके ना कोई, कितना षड्यंत्र करेंगे। तो हमें उनसे और ऐसी चीजों से ना कभी डर लगा था, ना डर है, ना कभी डर लगेगा। हम अपने कामों को अंजाम तक कैसे पहुंचाना है ये भी जानते हैं, और इनसे कैसे लोहा लेना है ये भी जानते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।